नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। दसई के विदा बितलो पर सिंह दरबार सुनसान, मंत्रालय में मंत्री या कर्मचारी नहीं रहा। लगातारक बरसात के कारण महाकाली नदी में पानी के सतह बढ़ला बाद सुदूर पश्चिम प्रदेशक अधिकांश जिला बस्ती समेत बांध। 12 दिन से माइती घर में अनशन बैसल महिला अधिकार कर्मी रूबी खान अनशन तोड़लिन। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 1096 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 6 संक्रमित। आ दसई के घटस्थापना बाद एखन धरि दुर्घटना में 161 गोटे के जान गेल। आब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा के बैठक 2 दिन के लेल घुसकाओल गेल छ। प्रतिनिधि सभा के बैठक या कार्तिक 9 गते के लेल बजाओल गेल छल, लेकिन 9 गते प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले के पालिका अधिवेशन भेला से प्रतिनिधि सभा के बैठक घुसकाओल गेल। संसद सचिवालय जनौलक अछि 9 गते एमाले देश भर पालिका अधिवेशन कऽ रहल अछि। सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 6 के उपनियम 3 अनुसार दोसर बैठक कार्तिक 11 गते दोपहर 2 बजे बैसल जकाँ तय भेल। संसद सचिवालय के महासचिव डॉक्टर भरत राज गौतम जानकारी देलनि। नवनियुक्त मंत्री तथा कर्मचारी सब दसई मनाव जिला गेला से सिंह दरबार सुनसान बनल। दसई समाप्त भ चुकलो पर सरकारी कार्यालय सब खुलो गेला पर सिंह दरबार अपन लय में फिरता आब नहीं सक रहा। प्रधानमंत्री नियुक्त भेल करीब 3 महीना बाद आसिन 22 गते प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा मंत्री परिषद के पूर्णता देने छला। ओहनाहू मंत्रालय में मंत्री नहीं रहला से आ मंत्री के अनुपस्थिति में काम होब नहीं सकला से मंत्री के भेट जाए वाला राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता आ सर्वसाधारण के भीड़ 3 महीना पहले हो से कमे छल। मंगल दिन से हो सिंह दरबार में व्यक्ति सबके आवत जावत कम देखल गेल। बुध दिन कोजागर पूर्णिमा से दसई औपचारिक रूप से संपन्न भेलो पर सरकारी कामकाज शुरू भ चुकलो पर दसई विदा में गेल कर्मचारी सब फिरता नहीं अला से आ मंत्री सब से हो एखनो शुभकामना आदान प्रदान में दौड़ रहला से मंत्रालय में आव वाला सेवाग्राही तथा सर्वसाधारण के भीड़ घटल। हाल मंत्रालय में सीमित कर्मचारी सब मात्र देख आ भेटल जा सके। कर्मचारी तथा सेवाग्राही के संख्या न्यून मात्रा में देखल गेल पर कतेको मंत्रालय में मंत्री के समेत अनुपस्थिति रहल पाओल गेल। तहिना लंबा समय बाद सिंह दरबार में सब मंत्री पेलो पर सेवाग्राही आ राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता सब सिंह दरबार प्रवेश नहीं कर पाओल त मंत्रालय सब में मंत्री पौने संगे पावन तिहार शुरू भेला बाद महत्वपूर्ण काज सब समेत रुकल। बांके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के न्याय के लेल 12 दिन से माइती घर में अनशन रहल महिला अधिकार कर्मी रूबी खान अनशन तोड़ लेने छ। 12 दिन एम्हर अनशनरत महिला अधिकार कर्मी रूबी खान सरकार गृह मंत्रालय के सहसचिव हीरालाल रेग्मी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय छानबीन समिति बनौला संगे अनशन तोड़ लेने छ। सहसचिव रेग्मी के संयोजकत्व में गठित समिति में नेपाल प्रहरी के प्रहरी उपरीक्षक राम प्रकाश शाह, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के उप अनुसंधान निर्देशक वीरेंद्र सिंह कार्की, गृह मंत्रालय के उप सचिव राम प्रसाद लमसाल, बांके के मोहम्मद शेर बागवान आ जिला प्रशासन कार्यालय बांके के प्रतिनिधि सदस्य अधिकृत रहल। ओ मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य मोहाना अंसारी आ गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र पोखरेल से जूस खात अनशन तोड़ लेने। अनशन तोड़ला बाद ओ सरकार संग भेल सहमति से संपूर्ण महिला के जीत भेल बतौलन। सबै महिलाहरुको लागि हो र सबै महिलाहरुको न्यायका लागि यो आन्दोलन हो र यहाँहरुको सबैजनाको अथक प्रयासले आज दिन हामी सफल भएका छौँ। यो यहाँहरुको सबैको जित हो र यो मात्र आज दिन हाम्रो सम्बन्ध भएको छ। यो लिखित सम्बन्धता आयोग अपराधी के कानून बमोजिम के सजाए देबाक विश्वास दियोला बाद खान आमरण अनशन तोड़ लेने। वो प्रहरी अपना ऊपर अभद्र व्यवहार के कहत कार्रवाई के मांग कलिन।
आई नवरस मीडिया द्वारा लोक समाज आ प्रवेश मल्लिक प्रोडक्शन पीएमपी के सहकार्य में एवं उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय के सहयोग में तैयार कैल गेल जय सियाराम म्यूजिक वीडियो के जनकपुर धामक गिरजा सिनेमा हॉल में लोकार्पण कैल गेल। नवरस मीडिया के कार्यकारी निर्देशक सुनील मल्लिक के अध्यक्षता आ उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्री राम नरेश राय के प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में सामाजिक संजाल में बेसी चर्चा रहल जय सियाराम के गीत के वीडियो देखाओल गेल। संगे नवरस मीडिया द्वारा एखन धरि कैल गेल काज या छी हमर जनकपुर पावन धनुषा धाम कांच बासन के पतिया लगायत गीत सब के बारे में चर्चा कैल गेल छल। एकर लोकार्पण हो जा रहा है लेकिन एकटा ऐतिहासिक चीज होतै, एक प्रदेश के एकटा ऐतिहासिक चीज होतै हमर धार्मिक पर्यटन के हिसाब से। और हमारा आग्रह ये रहते हैं कि वास्तव में यही चीज के अब एक कौन उपाय खोजल जाते हैं, खास करके हम सुजीत जी से कहब और हमारे नियमित सचिव जी देवी नंदलाल जी एक केना एक प्रक्रिया अपनाएल जाए एक की कल जा सके जिनका लिखे के होते लिखते। लेकिन यही ऑडियो और वीडियो के तहत प्रत्येक मठ मंदिर में पहुँचा देवे के चाहिए, एक प्रदेश के प्रत्येक मठ मंदिर में पहुँचावे के चाहिए। और सुबह के समय में कमती में अरे अपना घर में सब लोग न पहुँच सकते हैं तो कंपनी में अपना घरों में बैठ के तरह 22 मिनट हो 10 मिनट हो 5 मिनट हो जय जय सियाराम को लोग कह लेते ना, अरे वहू से लोग मुक्ति में लोग मिल जाते। राजनीति में बाद में ला गया है, पहले बहुत उत्कृष्ट कलाकार अभिनय में कहना नृत्य में कहना दोनों हिसाब से सर भाई कृष्णा सिंह कहना वन मंत्रालय के ये कार्यक्रम भ रहा है तकर प्रमुख भूमिका में छला भाई सुजीत झा जी जहिया से एल थे वन मंत्रालय में मिथिला मैथिली माय भग चुकल छे। ये एतुका पर्यटन हम देखलिए जतौ ततौ यो सुजीत भाई यदि काज तब एना कर देते हेतै किए नहि हेतै भाई जी भ जेतै कब भ जेतै। मैथिली के एखन धरि के सबसे नमहर गीत जय सियाराम 22 मिनट के रहल अछि आ करीब 100 से बेसी कलाकार गीत गायन अभियान में सहभागी अछि। मैथिली के चर्चित गीतकार अशोक दत्त के रचना आ संपूर्ण मिथिला लगायत बॉलीवुड समेत में अपन पहचान स्थापित कऽ चुकल सुनील प्रवेश के संगीत में बनल जय सियाराम गीत के संगीत संयोजन प्रवेश मल्लिक केने अछि। जग में ई सबसँ पावन पुण्य भूमि अछि मिथिला धाम। तहिना ई गीतक गायन सुनील मल्लिक, पार्थ मल्लिक, अवनी मल्लिक, कोरस गायन प्रवेश मल्लिक, नेहा प्रियदर्शनी, निहारिका मल्लिक, रामनारायण ठाकुर, मिनीषा मल्लिक, निशांत मल्लिक, अमरेश मल्लिक, संगीता देव, उज्ज्वल कर्ण लगायत रहल अछि। कार्यक्रम में उद्योग पर्यटन वन मंत्रालय के सचिव नंदलाल राय यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कृष्ण कुमार सिंह, मटिहानी नगर पालिका के प्रमुख हरिप्रसाद मंडल, वन अधिकृत सुजीत कुमार झा, पत्रकार श्याम सुंदर शशि, अनिल कुमार कर्ण, मीनापक संपूर्ण कलाकार, जय सियाराम वीडियो में सहभागी कलाकार लगायत मैथिली अनुरागी समूह के सेहो उपस्थिति छल। बांके में घरेलू हिंसा से मारल गेल नकुन्नी धोबी आ निर्मला कुर्मी के न्याय के लेल 12 दिन से माइती घर में धरना दे रहल पीड़ित परिवार के सदस्य सबके राष्ट्रीय महिला आयोग आ मुस्लिम आयोग भेंट कलक। पीड़ित के न्याय के लेल कहत नेपालगंज से 20 दिन के यात्रा करत काठमांडू पहुँचल 15 गोटे पीड़ित परिवार के सदस्य तथा महिला अधिकार कर्मी सबके माइती घर में धरना दैत समय मंगल दिन माइती घर में महिला आयोग आ मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष सब भेंट कलक। मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी पीड़ित परिवार के सदस्य सब घटना में बसा कुर्मी के संलग्नता रहल आ ओकरा कार्यवाही के मांग केने बतौलन। पीड़ित के बाद सब गृहमंत्री आ आईपीजी संग बात रखत पीड़ित परिवार के तत्काल न्याय दियाब अपना पहल करबाक बतौलन। ओ स्थानीय सरकार सही समय में सही भूमिका नहीं खेला से नेपालगंज से पीड़ित परिवार के सदस्य सबके पैदल चलत काठमांडू आब पड़ल बतौलन। जो एटा बासा कुर्मी भाई व्यक्ति वहाँ को संलग्नता वहाँ दोषी हो भाई वहाँ
भनेर भनाइले बुझ्यो। अब म यो विषयमा चाहिँ थप चाहिँ गृहमन्त्रीसँग र आइजिपी साहबसँग चाहिँ मैले कुराकानी गरेर दोषी यदि कोही छ भने त्यसलाई तुरन्त कारवाही गरी चाहिँ अन्याय परेकोलाई चाहिँ न्याय दिनु पऱ्यो, अन्याय परेको व्यक्तिलाई न्याय पाउनुपर्छ। उहाँहरूको जुन 20 दिनसम्म यो नेपालगञ्जबाट चाहिँ पैदल यात्रा गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो चाहिँ त्यो खुसीले होइन कि बाध्यताले हो, यहाँसम्म आइपुग्नुपर्ने खास केस चाहिँ होइन। स्थानीय सरकारले चाहेको भए यसलाई चाहिँ सजिलोसँग ह्यान्डलिङ गरेर चाहिँ यदि कोही दोषी छ भने त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारले चाहिँ सही समयमा सही भूमिका नखेलेकोले नि गर्दाखेरि उहाँलाई दुःखको साथ कष्टको साथ यहाँसम्म आइपुग्नु पऱ्यो र यहाँ सुरक्षा अब प्रशासनदेखि लिएर सबैलाई अहिले चाहिँ मतलब एउटा चिन्ताको विषय पनि बनेको हो। तहिना राष्ट्रीय महिला आयोगके अध्यक्ष कमला पराजुली महिला उपर भेल हिंसाके समयमे सम्बोधन करके माग कयलनि। ओ पीड़ितके न्याय आ पीड़कके तत्काल कार्यवाही कहैत घटनाके जल्दी से जल्दी छानबीन करबाक बतौलनि। स्थानीय तहमा नै यो हिंसाको सम्बोधन एक त हिंसा हुनु हुँदैन र जो पीडित हुनुभएको छ अन्यायमा पर्नुभएको छ स्थानीय तहमा नै उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ, उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। यो घटनाको चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन भएर पीडितलाई न्याय हुनुपर्छ र पीडकलाई कानुन बमोजिमको कडाभन्दा कडा दण्ड हुनुपर्छ। अध्यक्ष पराजुली पीड़ित सब नेपालगंज से पैदल न्याय मांग के लिए काठमांडू धरि एनाई दुखद रहल बतौलिन। पछिला 24 घंटा में देशभर थप 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,305 पहुँचल अछि। देशभर थप 1,096 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,916 गोटे PCR परीक्षण में 957 आ 1,776 एंटीजन विधि से 139 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तहिना पछिला 24 घंटा में नेपाल में 1,004 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 11,815 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 783,397 गोटे नीक भऽ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पछिला 24 घंटा में 6 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 3, महोत्तरी में 1, सरलाही में 1 आ सप्तरी में 1 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,420 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,039 रहल अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,279 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 102 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। दशहीं के अवधि में सवारी दुर्घटना के कारण पैघ मानवीय क्षति भेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार दशहीं के घटस्थापना बाद कार्तिक 1 गते धरि दुर्घटना के कारण 161 गोटे के जान गेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय के अनुसार फूलपाती के दिन मुगु में बस दुर्घटना भेला से 32 गोटे के जान गेल छल। तहिना दशहीं के अवधि में कास्की में जीप दुर्घटना भेला से 8 गोटे के जान गेल छल। ओहि अवधि में काठमांडू उपत्यका में दशहीं भरि 3 से 8 टा दुर्घटना भेल अछि, जाहिमे 3 गोटे अपन जान गुमौलक अछि। रवि के साथ से भऽ रहल बरसात के कारण सुदूर पश्चिम के अधिकांश जिला के बस्ती सब में भूस्खलन आ डुबान भेल अछि। अविरल बरसात के कारण महाकाली नदी में पानि के सतह बढ़ला बाद तटीय क्षेत्र के बस्ती डुबान में पड़ल अछि। महाकाली नदी के बाढ़ गाम में पछला से भीमदत्त नगरपालिका आ दोधरा चन्नी करैत 150 टा से बेसी घर डुबान में पड़ल प्रहरी बतौलक अछि। भीमदत्त नगरपालिका के वार्ड 9, 11, 12 आ 13 के खुला बुझेला एरी ओदाली बड़पुर पिपरिया के करीब 100 घर आ दोधरा चांदी नगर पालिका के बहुत घर डुबान में पड़ल अछि। महाकाली नदी तटीय क्षेत्र के बस्ती डुबान में पड़ल जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रवक्ता सिद्धराज नेउपा ने जानकारी देलनि अछि। कर्णाली के 10 मीटर पानी के सतह के सतर्कता आ 10.80 मीटर के खतरा के सतह मानल जाइत अछि। एखन 11.3 मीटर रहल अछि। नेपाल भ्रमण में रहल भारत के नेशनल डिफेंस कोर्स 2021 के भ्रमण दल मंगल दिन नेपाली सेना के जंगी अड्डा में भ्रमण कयलक अछि। जंगी अड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा उक्त भ्रमण दल के प्रमुख तथा रियर एडमिरल धीरेन विंग संग अपन कार्यकक्ष में शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। भेंट के बाद नेपाली सेना संबंधी विषय में प्रस्तुतिकरण आ अंतर्क्रिया के
सम्पन्न कयल गेल छल। प्रधान सेनापति शर्मा एहन भ्रमण सँ दू देश के सेना के बीच रहैत आयल संबंध सुदृढ़ीकरण कर आ द्विपक्षीय सुरक्षा चाहे के विषय में मदद पहुँचत विश्वास कयल गेल। तहिना एक फरक कार्यक्रम में भ्रमण दल में सहभागी फैकल्टी मेंबर तथा तालीमरत शिक्षार्थी सब श्रीमती सबके भद्रकाली में रहल सैनिक श्रीमती संघ के कार्यालय में स्वागत तथा शिष्टाचार भेंटघाट कार्यक्रम समेत आयोजन कयलक। यातायात व्यवस्था विभाग 6 महीना बाद नया सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन खोल के तैयारी कयलक। बीतल बैसाख 16 गते से महामारी के कारण देखबैत बंद कयल गेल आवेदन प्रणाली आगामी एक सप्ताह भीतर खोल के तैयारी भ रहल विभाग बतौलक। प्रवक्ता डॉक्टर लोकनाथ भूषाल के अनुसार आवेदन प्रणाली खोल एखन प्राविधिक तैयारी भ रहल अछि। एहिसँ पहिने आवेदन देने से भादो 20 गते से लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लेब शुरू कयल गेल छल। प्रवक्ता भूषालक अनुसार एखन परीक्षा में सहभागी होबा आवेदन देने करीब 5 लाख गोटे चालक के परीक्षा के दिन ताकि रहल अछि। प्रवक्ता भूषाल के अनुसार आब दैनिक रूप में कार्यालय के कोटा निर्धारण करैत दैनिक रूपे में आवेदन ले जायत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। दसई के विदा बितलो पर सिंह दरबार सुनसान, मंत्रालय में मंत्री आ कर्मचारी नहीं भेटल। लगातारक बरसात के कारण महाकाली नदी में पानी के सतह बढ़ला बाद सुदूर पश्चिम के अधिकांश जिला बस्ती सब में डुबान। 12 दिन से माइती घर में अनशन बैसल महिला अधिकार कर्मी रूबी खान अनशन तोड़ी। पिछला 24 घंटा में देश भर 12 कोरोना संक्रमित के जान गेल, 1096 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 6 संक्रमित। दसई के घटस्थापना बाद एक खंधर दुर्घटना में 161 गोटे के जान जा चुकल। बेस्त अपन न्यूज एखन लैत बा, अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।